देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण कहलाता है, क्या कह रहा था, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर ट्रांसफर ऑफ हीट, क्या होता है, एडवेक्शन, ठीक है। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। भूमंडलीय धरातल पर औसत तापमान लगभग 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, परंतु तापमान के स्थानीय औसत में व्यापक भिन्नता पाई जाती है। अधिकांश तापक्रमों को क्षैतिज वितरण या फिर आधांशों द्वारा निर्धारित होता है, परंतु अक्षांशों द्वारा निर्धारित होता है, परंतु अक्षांश ही एकमात्र नियंत्रणकारी कारक नहीं होता। तापक्रम का क्षैतिज वितरण कई अन्य भौतिक कारकों पर भी निर्भर करता है। निम्न में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है, इनमें से कौन से हैं जो विष्णु के अवतार नहीं है, दधीची नहीं है। विष्णु के अवतारों की पहले व्यवस्थित सूची महाभारत में उपलब्ध होती है। बुद्ध महाभारत के शांति पर्व में अवतारों की कुल संख्या 10 बताई थी। कूर्म, मत्स्य, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, यदुवंशी, श्री कृष्ण तथा कार्तिकेय, ये सब भगवान विष्णु के अवतार हैं। अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में से कौन सा अवरोही क्रम में सही है, तो इसमें अवरोही क्रम में बी वाला यानी चीन है, फिर भारत है, फिर यूएसए है, फिर इंडोनेशिया है। इसमें क्या कह रहे हैं एक्सप्लेनेशन में, किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले मनुष्यों की संख्या को उस क्षेत्र की जनसंख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश में चीन का स्थान प्रथम है, जो कि 1,43,00,000 चीन के बाद 1,36,64,00,000 के साथ द्वितीय स्थान पर हैं। दुनिया का तीसरा देश अमेरिका 32,90,00,000 है और चौथे नंबर पर इंडोनेशिया 27,06,00,000 का स्थान है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी ऑप्टिमेटेड इन द प्रोसेस ऑफ नोट मेकिंग, नोट मेकिंग में कौन सा है, यहाँ पर आंसर हेल्पिंग वर्ब्स। अब उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, 75 में 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे, हु वाज द वायसराय एट द टाइम ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 वाज पास्ड, 1861 जब पास आउट हुआ था तो उस समय कौन वायसराय था, तो लॉर्ड कैनिंग थे उस समय। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय लॉर्ड कैनिंग वायसराय थे। इस अधिनियम की पहली विशेषता यह थी कि इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को अपने विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधित्व को प्रारंभ किया। द्वितीय विशेषता यह थी कि इस अधिनियम में गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीय किया गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द रीज़न फॉर द अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व इज, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व का क्या रीज़न है यहाँ पर, इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग कॉस्ट, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं आपका सही है, ऊपर की ओर झुका हुआ आपूर्ति वक्र एक ग्राफ है जो किसी उत्पाद की कीमत और आपूर्ति की मात्रा के बीच संबंध को दर्शाता है। धनात्मक ढाल की पूर्ति के वक्र का कारण वर्धमान प्रतिफल है, अतः विकल्प ए सही है। ऑक्सीजन गैस, द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर ऑक्सीजन गैस इज नॉट हैविंग वाइब्रेशनल मोड, वाइब्रेशनल मोड में ना हो, तो इसलिए फार्मूला याद रखना, ये आपका स्पेसिफिक है नियत दाव पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ प्रेशर के लिए और स्पेसिफिक कैपेसिटी फॉर वॉल्यूम के लिए, नियमित आयत पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, तो सीपी हो जाएगा आपका क्या 7/2R, ये याद रखना होगा आपको, और CV हो जाएगा 5/2R। इन दोनों को डिवाइड किया तो RR कैंसिल आउट हो गया, 2/2 कैंसिल आउट हो गया, 7/5 आ गया, तो ये याद रखना, ये फॉर्मूला होता है और ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, जायसी द्वारा रचित महाकाव्य है, क्या महाकाव्य है, पद्मवाद। पद्मवाद हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है, इसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। पद्मवाद दोहा और चौपाई छंद में लिखे गए इस महाकाव्य की भाषा अवधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं आपसे कि द इनोट्रॉपी चेंज कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवोल्यूशन अपॉन टी। When water freezes in a glass beaker, choose the correct statement against the following. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एनोट्रॉपी का फार्मूला दिया हुआ है, क्यू रिवोल्यूशन बाय टी, यहाँ पर आई लिखें, यहाँ पर टी लिखें, देखते हैं क्या सही होने वाला है। बहुत मिसप्रिंट भी है इसमें, लेकिन यहाँ ये आई ना होकर टी ही होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, समझ रहे हो। अब उसके बाद अभी क्या कह रहे हैं, डेल्टा एस निकाय घटता है लेकिन डेल्टा एस परिवेश
समान रहता है, यानी डेल्टा एस सिस्टम डिक्रीजेस बट रिमेंस डेल्टा एस सराउंडिंग रिमेंस द सेम, डेल्टा एस सिस्टम इंक्रीजेस बट डेल्टा एस सराउंडिंग डिक्रीजेस। फिर कह रहे हैं डेल्टा एस सिस्टम डिक्रीजेस बट डेल्टा एस सराउंडिंग इंक्रीजेस, कह रहे हैं कि जो सिस्टम का डेल्टा एस है एनोट्रॉपी वो क्या होगा, डिक्रीज होगा और डेल्टा एस सराउंडिंग इंक्रीज होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्यों होगा कि देखो जैसे निकाय 25 डिग्री सेल्सियस पे, अब ये बर्फ़ हो गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका डेल्टा एस सिस्टम है वो क्या हो गया, सिस्टम का डेल्टा एस एनोट्रॉपी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, जबकि इसके सराउंडिंग की डेल्टा एस क्या हो गई, बढ़ गई। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये एनोट्रॉपी के लिए है। अब उसके बाद जो है इसमें और भी ऐसे सिद्धांत करके ऐसे बताए हैं ये सारी चीज़ें कि माइनस क्यू बाई टी होता है, फिर उसमें उपस्थित करने पर परिवेश के एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा एस क्यू बाई टी होता है, प्लस वाले केस में उसमें अवशोषित करने पर डेल्टा एस पॉजिटिव होता है, तो एस टू माइनस एस वन ग्रेटर देन जीरो, तो एस टू ग्रेटर देन एस वन हो गया। तो यही आपका हो गया एस टू ग्रेटर देन एस वन है, इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा एस सिस्टम डिक्रीज कर गया डेल्टा एस सराउंडिंग से, डेल्टा एस सराउंडिंग इंक्रीज कर गया, तो ये इंक्रीज कर गया, ये डिक्रीज कर गया। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट 80 क्वेश्चन है, विटामिन ए इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेयर लॉस, हेयर लॉस जो आपके बाल झड़ रहे हैं अधिकतर ये वही है, विटामिन ए इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेयर लॉस, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, तो इसका क्या हो जाएगा, द रिस्क ऑफ हेयर लॉस इज इंक्रीज बाय विटामिन ए, एक्टिव टू पैसिव आपने इसको बदल दिया, क्या होगा, द रिस्क ऑफ हेयर लॉस इज इंक्रीज बाय विटामिन ए, तो द रिस्क पहले आ जाएगा, पहले विटामिन ए इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेयर लॉस, तो यहाँ जब इसको एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो द रिस्क आ जाएगा पहले, तो यही लिख रहा था द रिस्क ऑफ हेयर लॉस फिर इज इंक्रीज बाय विटामिन ए। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक्स ग्रेटर देन टू कॉमा देन टू प्लस थ्री इक्वल टू सेवन, क्या पूछ क्या रहा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इनमें से कौन सा जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, तो यहाँ पर देखिए आपसे कह रहे हैं क्या दो प्लस तीन अगर रखें हम लोग तो क्या वो सात के बराबर होगा, नहीं होगा, दो प्लस तीन सात के बराबर नहीं हो सकता ना, तो यही कह रहे हैं यहाँ पर कि एक्स ग्रेटर देन टू है भाई, अगर एक्स ग्रेटर देन टू होता है तो क्या दो प्लस तीन जो है सात के बराबर होगा, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, तो ये आपका जो है कॉन्ट्रा पॉजिटिव में आएगा कि 2 प्लस 3 जो कि 7 के इक्वल नहीं होगा और इम्प्लाइज x ग्रेटर देन 2 भले हो जाए, तो ये कौन सा हो गया आपका प्रतिघनात्मक कथन, मतलब प्रतिघनात्मक कथन मतलब कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव, मतलब पहले सही था लेकिन कॉन्ट्रा लगा दिया तो गलत सही गलत हो गया। अब उसके बाद देखिए 82 में क्या कह रहे हैं, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ सिटीजन कैन फाइल अ रिट इन द हाई कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और ये PCS में भी पूछा गया है, PCS में पूछा गया है और इस पुलिस वाले में भी दे दिया गया, बताओ अब ये आंसर आपका जो है अनुच्छेद 226 है, यानी ये गलत छापा था ना, यहाँ जो है 226 आंसर सही लिखा है लेकिन ऑप्शन जो है यहाँ गलत लिख दिया है ना, तो ये ध्यान रखिए अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए सभी प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है, यहाँ किसी अन्य उद्देश्य का अर्थ किसी सामान्य कानूनी अधिकार के प्रवर्तन से है, जहाँ एक और सर्वोच्च न्यायालय केवल भौतिक अधिकारों के हनन की स्थिति में ही रीट जारी कर सकता है, वहीं उच्च न्यायालय को मतलब बक्सा में रखा हो तो यहाँ किसी अन्य उद्देश्य का अर्थ किसी सामान्य कानूनी अधिकार के प्रवर्तन से है, जहाँ एक और सर्वोच्च न्यायालय केवल भौतिक अधिकारों के हनन की स्थिति में ही रीट जारी कर सकता है, वहीं उच्च न्यायालय को किसी अन्य उद्देश्य के लिए रीट जारी करने का अधिकार है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, इन फिजिकल एड्जॉर्प्शन, देखो केमिस्ट्री का क्लास 12th चैप्टर की चीज़ आ गई, फिजिकल सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर से है ये क्वेश्चन, इन फिजिकल एड्जॉर्प्शन गैस मॉलिक्यूल्स आर बाउंड इन द सॉलिड सरफेस बाई, जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉलिड सरफेस से बाउंड होते हैं, किससे, केमिकल फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, वंडर वाल फोर्सेस, तो आपका ये क्या आंसर, ग्रेविटेशनल फोर्सेस से सही है, जैसे ठोस प्लस गैस तो गैस ठोस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? कटक, उड़ीसा। कहाँ पर है? कटक। हाँ, कटक एकदम सही है। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में अवस्थित है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। भारत का प्रमुख तीर्थ धाम जगन्नाथ धाम उड़ीसा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन यूनानी कवि था? उनमें से कौन है जो कि ग्रीक पोइट था? तो ये आपका बी ऑप्शन होगा, होमर जो है होंगे। होमर यूनान के ऐसे प्राचीनतम कवियों में से हैं जिनकी रचनाएं आज भी उपलब्ध हैं। वे अपने समय की सभ्यता और संस्कृति के अभिव्यक्ति का प्रबल माध्यम माने जाते हैं। अंधे होने के बावजूद उन्होंने दो महाकाव्यों की रचना की, इलियड और ओडिशा ओडिशी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, क्या कह रहे हैं, विच एमंग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट कैन नॉट सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी? टाइम ऑफ इमरजेंसी के बाद भी कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जो कि सस्पेंड नहीं होता है? ये भी पीसीएस का भी क्वेश्चन है। ये जीवन की सुरक्षा का अधिकार, ये इमरजेंसी लागू होने पर भी ये जो है संविधान जो है फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं किया जाता। संविधान के भाग तीन में अनुच्छेद 12 से 35 तक का मूल अधिकारों का विवरण है। देखो इसमें क्या प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से जीवन की सुरक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 आपातकाल के समय निलंबित नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 20 आपातकाल के समय में के समय भी प्रभावित रहता है। इन द न्यूक्लियर रिएक्शन एक और क्वेश्चन है आपका, न्यूक्लियर रिएक्शन है जेड, ये बहुत मिस्टेक है, ये सही नहीं लिखा, सोल्यूशन में सही लिखा है, जेड एक्स है, फिर माइनस बीटा डिके हुआ, तो माइनस बीटा डिके हुआ तो क्या हुआ कि एक जो है यहाँ पर बढ़ गया और यहाँ पर एक क्या हो गया, ये जैसे था वैसे ही रहा क्योंकि माइनस बीटा। फिर अल्फ़ा हुआ तो यानी अल्फ़ा मतलब 2He4 एटॉमिक, ये क्या है, ये आपका एटॉमिक नंबर है और ये एटॉमिक मास है। तो ध्यान रखना ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक मास है। तो ये देखो यहाँ पर एटॉमिक मास नंबर में एक वृद्धि हो गई, एटॉमिक मास वैसे ही था, लेकिन अब हीलियम वाला आया तो हीलियम में दो वृद्धि हो जाएगी इसमें और ऊपर वाले में चार हो जाएगी, चार जो है एटॉमिक मास जो है यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर घट रही है, तो ये घट क्यों रही है? अच्छा, अल्फा रेज जो है क्या हो रहा है इसमें से निकल रहा है तो इसलिए घट गई, तो ये भी घटेगा। तो यहाँ पर देखो ये जेड प्लस वन था, प्लस वन में माइनस टू करोगे तो माइनस वन आएगा, तो जेड माइनस वन हो गया, फिर आर ये आर ए माइनस फोर हो गया, फिर इस बार गामा रेस का डिके हो रहा है मतलब निकल रहे हैं इससे, अब ये गामा रेस का डिके हुआ तो क्या हुआ, एक और इसमें कुछ भी कम नहीं होगा, जैसे था वैसे ही रहेगा जेड माइनस वन ए आर ए, क्योंकि गामा रेस का जो है मास एटॉमिक नंबर मास दोनों ही 0 होता है तो कुछ भी इनमें से घटेगा नहीं, जो था वैसे ही रहेगा। तो यहाँ हम लोगों को क्या मिला देखने पे, माइनस बीटा हो रहा है, फिर अल्फा हो रहा है, फिर गामा डीके हो रहा है, तो इसमें कुछ कह रहा है द पार्टिकल ऑफ रेडिएशन इमिटेड इन ईच स्टेप इज रेस्पेक्टिवली, क्या क्या डीके हो रहा है, तो पहले बीटा हो रहा है, फिर अल्फा हो रहा है, फिर गामा हो रहा है, ये ऑप्शन सही हो गया। समझ आया ये चीज़? अब देखो 88 में क्या कह रहे हैं, Who can enlarge the Supreme Court jurisdiction and powers with respect to matters in the Union List? केंद्र सूची के विषय के विषयों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? तो द पार्लियामेंट विस्तृत कर सकता है, तो पता है सभी। केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों के वितरण को संघीय सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची में वर्गीकृत किया गया है। केंद्र सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को विस्तारित करने का अधिकार संसद के पास है। निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली? ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, पुर्तगीज, डच, तो पुर्तगाली को मिली। अर्थशास्त्र में उत्पादन का इष्टतम स्तर वहाँ है जहाँ लैग मतलब लैग इज मिनिमम एंड लैग जो है LMC के बराबर हो, ये ध्यान रखना, ये वाला ऑप्शन डी वाला, इसको याद रखना। और आगे देखो क्या कह रहे हैं, मतलब ये याद करना पड़ेगा आप, इसको रट लो पूरा। देख लो इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन पूछा गया पुलिस के भर्ती में, पूछता है तो सब चीज़ से थोड़ा थोड़ा ले रहा है। अब देखो 91 में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैथमेटिक्स का है, 19,000 फिर 1900 फिर 91 इज इक्वल टू क्या होगा, 19 भी आगे लिखा हुआ है, ओ है नहीं, 19,000 आपने लिखा, 19 गुणे 10,000 फिर 1900
19 × 100 फिर 19 × 1 इन सब को जोड़ दिया तो आ गया 19 तीन बार, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में साम्यवाद के उदय का प्रमुख कारण था? साम्यवाद उदय का प्रमुख कारण क्या था यहाँ पर? विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द फॉरमोस्ट कॉज ऑफ राइज ऑफ फेडरलिज्म इन यूरोप। फेडरलिज्म मतलब साम्यवाद, ध्यान रखना। रोमन साम्राज्य के स्वच्छारिता, रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना, ये याद रखना। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना। उसके बाद यूरोप में सामंतावाद का विकास रोम साम्राज्य के बाद उनके क्षेत्रीय शक्तियों के उत्कर्ष द्वारा अपनाई गई शोषणकारी नीतियों के कारण हुआ। सामंतावादी व्यवस्था में अधिकारों का एक सोपन तथा पाया जाता है, जिससे शीर्ष पर राजा और सबसे निचले पायदान पर वहाँ की जनता होती है। इस प्रकार राजा और प्रजा के बीच एक तरह से शोषक और शोषितों का संबंध होता था। आगे देखो क्या कह रहे हैं 93 क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बायो रिएक्टर इज मोस्ट कॉमन। उनमें से कौन सा बायो रिएक्टर मोस्ट कॉमन है? तो बी वाला है, स्टिरिंग बैंक बायो रिएक्टर। बायो रिएक्टर एक नियंत्रित पर्यावरण वाला बड़ा पात्र होता है, जिसमें सूक्ष्म जीवों, पौधों, जंतुओं व मानव कोशिकाओं का उपयोग करते हुए कच्चे माल को जैव रूप में विशिष्ट उत्पादों में विशिष्ट एंजाइम आदि में परिवर्तित किया जाता है। स्टिरिंग टैंक रिएक्टर, विलोडित हॉज बायो रिएक्टर सबसे व्यापक रूप में उपयोग किया जाने वाला बायो रिएक्टर है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम ऑप्शन डेट फॉलो। बिफोर एंटरिंग द रूम प्लीज वॉश योर हैंड्स। प्रवेश से पूर्व कृपया हाथ धोएं। फिर क्या करें, कमरे में एंट्री से पहले हाथ धोएं। कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व हाथ धोएं। कमरे में प्रवेश करने से पहले कृपया अपने हाथ धोएं। यही सही है, डी वाला सही है। अब उसके बाद देखो क्या कह रहे हैं। एक अल्फा कण व एक प्रोटॉन की गति ऊर्जा समान है। अल्फा कण और प्रोटॉन की गति ऊर्जा समान है, उनकी तरंग दैर्ध्य का अनुपात क्या है, मतलब वेवलेंथ पूछ रहा है। एन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन हैव देयर सेम काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ देयर वेवलेंथ इज। तो इनका वेवलेंथ का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, ठीक है। अल्फा है देखो, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 2H4 या आपने अभी पढ़ा। और प्रोटॉन है तो प्रोटॉन मतलब सिंगल 1 पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है। अब यहाँ पर अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करो तो क्या होता है, 1/2 mv² और यहाँ पर ऊपर नीचे m का मल्टीप्लाई अगर कर दिया आपने तो क्या हो जाएगा, 2m². अब ये mv क्या होता है, मोमेंटम होता है, p हो जाएगा, p का स्क्वायर बाई 2m। तो यहाँ से अगर देखें हम लोग तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन ही बना, और लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, ये जो होता है एनर्जी इक्वल टू hc/λ। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो वेवलेंथ क्या हो रहा है, hc/E, यानी वेवलेंथ जो है एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये हम लोग देख पा रहे हैं। अब यहाँ से एनर्जी देखें तो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी लैम्डा जो है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज़, क्योंकि ये जो E है वो m के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर अगर 1/m रखेंगे तो m ऊपर चला जाएगा, तो लैम्डा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m के। यानी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये हीलियम है, मतलब अल्फा पार्टिकल, और ये प्रोटॉन है, तो मैं किसका एटॉमिक मास जो है ज़्यादा होगा, किसका ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा था, द रेशियो ऑफ देयर वेवलेंथ इज, तो 1:2 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं कि 96वें में किस संवैधानिक संशोधन के अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निदेशक तत्वों का कानूनी वरीयता प्रदान की है। तो यहाँ पर ये याद होना होगा आपको कि 42वें आर्टिकल में है ये, 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निदेशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान की है। इस संशोधन के तहत अत्यंत महत्वपूर्ण संशोधन किए गए जो निम्न हैं। भारतीय संविधान में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता जोड़े गए। ध्यान रखना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता जोड़े गए। संवैधानिक संशोधन को न्यायिक सक्रिय से तरह से बाहर किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों को व्यापक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इनमें से कौन सा है जिसका मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एकदम ये आपको जमान पे याद होना चाहिए, इन सब का एटॉमिक नंबर एक तो आपको पता हो, तो उससे आप SP DF के फॉर्म में लिखोगे तो निकल जाएगा।
तो उससे निकलेगा। लेकिन इन्होंने कैसे बताया, प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से F2 पॉजिटिव में अधिकतम संख्या मानो, ये डायरेक्ट लिख रहे हैं, Mg2 पॉजिटिव में अनुगमी इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होगी, जबकि Fe2 पॉजिटिव में 4 है, V3 पॉजिटिव में 1 है और टाइटेनियम में 2 है। तो ये ध्यान रखना, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, Fe2 पॉजिटिव। ये कैसे Fe2 पॉजिटिव है, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वैसे ही जो आप ऐसे बनाओगे 1s2 2s2 2p6 ऐसे बनाओगे, तब इसको करोगे तब आपको इसको पता चलेगा। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 98 में, इन विच कंट्री ओलोंग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है, तो ताइवान में की जाती है। ओलोंग एक पारस्परिक अर्ध ऑक्सीकरण चीनी चाय है, इसका उत्पादन चीन में होता है। ओलोंग दक्षिण चीनी और दक्षिण पूर्वी एशिया में चीनी प्रवासियों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय है। यह गहरे हरे रंग की चाय है। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से ताइवान देश में ओलोंग चाय उत्पादित की जाती है। अब देखो 99 क्वेश्चन में आखिर हम लोग आ चुके हैं। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था, भाई किस रचना पर मिला था, उर्वशी के रचना पर। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी कृति उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में मिला। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम उनके नाम से जाने गए। दिनकर जी का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में सिमरिया गाँव में हुआ था। अच्छा, सिमरिया गांव में हमारे पिताजी के एक दोस्त भी रहते हैं। हिंदी के विशिष्ट शैलीकार राजा राधिका रमण, प्रसिद्ध सिंह आचार्य, शिव पूजन सहाय, राम वृक्ष बेनीपुरी और फणीश्वर नाथ रेणु बिहार में जन्मे कवि हैं। बहुत सारे कवि भी हो गए हैं। अब देखो उसके बाद सवा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में, यदि आवृत्ति एन का एक स्रोत स्थिर श्रोता से वेग फ्रीक्वेंसी न्यू से गुजरता है तो ध्वनि को वेग Vs इज ग्रेटर टू मच ग्रेटर देन V हो तो डॉपलर प्रभाव के कारण आवृत्ति में परिवर्तन होगा। इफ अ सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड क्रॉसेज अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मान लो कि ये स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, ये स्टेशनरी मतलब स्थायी रुका हुआ ऑब्जर्वर है। यहाँ से एक सोर्स है फ्रिक्वेंसी की जो कि बहुत तीव्र रफ्तार से क्रॉस की है, उस फ्रिक्वेंसी को एन कहते हैं, ठीक है। और ऑब्जर्वर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और इसकी वेलोसिटी क्या है, वी है। अब कह रहे हैं इफ वेलोसिटी ऑफ साउंड, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो बहुत ज़्यादा है किसे, इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी से, देन द चेंज इन द फ्रिक्वेंसी ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट विल बी, तो चेंज इन फ्रिक्वेंसी डॉपलर इफेक्ट की वजह से क्या होगी आपकी, इसका आंसर आपका होगा टू और ये न्यू एन अपॉन वी एस होगा। कैसे होगा, यहाँ पर देख लो जरा, ये एफ होता है आपका फार्मूला, एफ डैश इज इक्वल टू एफ न्यू प्लस माइनस न्यू नॉट अपॉन न्यू, ये प्लस होगा केवल, यहाँ मिस प्रिंट है इसको, क्योंकि ये दोनों जब सेम रहेगा तो कट करके तो वह नहीं हो जाएगा ना, तो एन बहुत इसमें मिस प्रिंट है यार। वी एस प्लस वी अपॉन वी एस प्लस माइनस ओ, तो कुल मिलाकर के इनको जो है दोनों को घटा दिया, घटाने के बाद इनको सॉल्व किया है, और ये डॉपलर इफेक्ट किसका, 11th क्लास का। तो कुल मिलाकर के ऐसे प्रश्न का आंसर आप रट ही लो तो ज़्यादा सही है, क्योंकि सॉल्व करोगे तो इतना समय नहीं रहेगा, रट लो, यही आंसर है। 70-80 नंबर ले आएंगे तो ये जो है आपका वीडियो जो है, ये जो है आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है प्ले लिस्ट में आपके, ये वाला 2021 का ये पेपर है ना। अब नेक्स्ट जो है हमारा 2021 का द्वितीय पाली का जो पेपर है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय भारत।